संभल लोकसभा सीट से मुलायम सिंह यादव के सामने उन्हीं के शिष्य बाहुबली डीपी यादव चुनाव मैदान में थे। डीपी यादव भाजपा के उम्मीदवार थे और उस वक्त उत्तर प्रदेश में सरकार भी भाजपा की थी, मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। डीपी यादव संभल के निवर्तमान सांसद थे तो क्षेत्र में उनकी पकड़ भी थी, साथ ही उत्तर प्रदेश में भाजपा के पक्ष में माहौल भी था। कल्याण सिंह ने संभल में जबरदस्त मेहनत कर दी थी और ऐसे में मुलायम सिंह यादव को यह सीट फंसी हुई नजर आने लगी थी। मुलायम सिंह यादव को लगने लगा था कि अगर इस सीट पर हार हुई तो राजनीतिक भविष्य के लिए बेहद खराब होगा, इसलिए मुलायम सिंह यादव ने एक ऐसा जाल बिछाया कि संभल में वोटिंग से ठीक एक दिन पहले कल्याण सिंह की सरकार ही गिर गई। मुख्यमंत्री बने थे जगदम्बिका पाल और इस घटनाक्रम से संभल का चुनावी माहौल पूरी तरह बदल गया था और मुलायम सिंह यादव ने भाजपा और बाहुबली को चित कर बंपर जीत हासिल की थी। यह चुनाव देश के सबसे चर्चित चुनावों में से एक है। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर त्यागी है और आप देख रहे हैं हुआ यूं था का अगला एपिसोड। 1998 के चुनाव में भाजपा ने संभल सीट से मास्टर हरपाल को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन जब खुद मुलायम सिंह यादव संभल से चुनाव लड़ने आ गए थे तो भाजपा ने उम्मीदवार बदल दिया था। दरअसल 1996 के चुनाव में संभल से बसपा उम्मीदवार रहे बाहुबली डीपी यादव ने जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद में वह सपा में आ गए थे। लेकिन जब मुलायम सिंह यादव खुद उम्मीदवार बने तो डीपी यादव को झटका लगा। मुलायम सिंह यादव के करीबी बाहुबली डीपी यादव को भाजपा ने उम्मीदवार बना दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक इंटरव्यू में डीपी यादव ने खुद बताया था कि तब अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें दिल्ली में मिलने बुलाया था। उस समय राजनाथ सिंह पार्टी के अध्यक्ष थे और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। वहां अटल बिहारी वाजपेयी ने डीपी यादव को कहा था कि आप मुलायम सिंह यादव के खिलाफ हमारी पार्टी के उम्मीदवार होंगे, आप जाकर अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरिए। भाजपा ने मुलायम सिंह यादव को घेरने के लिए मंत्रियों की फौज संभल में लगा दी थी। कल्याण सिंह ने भी तीन बड़ी रैली की थी। रेहरा में कल्याण सिंह की आखिरी रैली हुई थी जिसमें उन्होंने जनता से कहा था कि आप बेफिक्र होकर वोट डालने जाएं, कोई बूथ कैप्चरिंग करने का सोचेगा भी तो अंजाम भुगतेगा। मैंने कलेक्टर और कप्तान को साफ कह दिया है कि बूथ कैप्चरिंग की कोशिश करने वालों को सीधे गोली मार दे। मैं सपा के बाहुबलियों को बता देना चाहता हूं कि बूथ कैप्चरिंग करने निकले तो जेब में नाम पता लिखी पर्ची डालकर निकले ताकि पुलिस को शव पहुंचाने में दिक्कत न हो। मुलायम सिंह यादव की चिंता बढ़ती जा रही थी और उन्होंने तैयारी भी पूरी कर ली थी। 21 फरवरी 1998 को मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं लखनऊ में और कहती हैं कि मेरे संसदीय क्षेत्र अकबरपुर का चुनाव हो चुका है, अब मैं अपना पूरा ध्यान कल्याण सिंह सरकार के खात्मे पर लगाऊंगी। दोपहर में करीब 2 बजे मायावती अपनी पार्टी यानी कि बसपा के विधायकों के साथ ही किसान कामगार पार्टी, लोकतांत्रिक कांग्रेस और कई छोटे दलों के विधायकों को लेकर राजभवन पहुंच जाती है। सभी एक स्वर में कहते हैं कि लोकतांत्रिक कांग्रेस के विधायक जगदम्बिका पाल को सभी समर्थन दे रहे हैं। जगदम्बिका पाल कल्याण सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री थे और इसी के साथ ही मुलायम सिंह यादव ने भी खुले तौर पर कल्याण सिंह सरकार को गिराने का समर्थन कर दिया था। तब इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री थे और राज्यपाल थे रोमेश भंडारी। मुलायम सिंह यादव के इंद्र कुमार गुजराल से बेहतर ताल्लुकात तो थे ही, वैसे भी मुलायम गुजराल सरकार में रक्षा मंत्री भी थे। मायावती भाजपा से गठबंधन टूटने के बाद से बेहद नाराज थी। कुल मिलाकर पूरी फील्डिंग सज चुकी थी। खैर, मायावती के राजभवन जाने के थोड़ी देर बाद ही राज्यपाल कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर देते हैं और पूरे यूपी में हंगामा मच जाता है। राज्यपाल के इस फैसले के खिलाफ धरने प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भी लखनऊ में आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। उधर तत्कालीन राज्यपाल रोमेश भंडारी ने उसी रात 10 बजे जगदम्बिका पाल को यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। पता तो मुलायम सिंह यादव को भी था कि बहुमत जुटाना बेहद मुश्किल है, लेकिन कल्याण सरकार गिराने से संभल का माहौल मुलायम सिंह ने कुछ ही घंटों में बदल दिया था। 23 फरवरी को हाईकोर्ट ने राज्यपाल के फैसले पर रोक लगाते हुए कल्याण सरकार को बहाल कर दिया था, लेकिन राजनीतिक घमासान के साथ ही कानूनी दाव पेंच चलते रहे थे। 26 फरवरी को हुए बहुमत परीक्षण में कल्याण सिंह को 225 और जगदम्बिका पाल को 119 वोट मिले थे। कल्याण सिंह फिर से मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन तब तक संभल सीट पर वोटिंग हो चुकी थी। मुलायम सिंह यादव को 3,76,828, डीपी यादव को 2,10,146
बसपा के बुधसेन को 1,38,745 वोट मिले थे। मुलायम सिंह यादव ने 1,66,682 वोट से चुनाव जीता था। डीपी यादव इस बारे में मीडिया से ये कह भी चुके हैं कि संबल सीट बचाना ही कल्याण सिंह सरकार को गिराने का एकमात्र मकसद था। ये भी कह चुके हैं कि सरकार गिरने के बाद उसी दिन रात को फार्म हाउस पर 2 IPS ऑफिसर आए थे और नजरबंद कर दिया था। यह चुनाव देश के सबसे चर्चित चुनावों में से एक आज भी है और हमेशा रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह एपिसोड भी पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें, हमारा सहयोग और समर्थन करें। धन्यवाद।